हम डिस्कस करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन, चैप्टर नंबर वन, लेक्चर नंबर वन, क्लास मैट्रिक न्यू बुक का ये टॉपिक है हमारे पास। सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव चैप्टर का नाम है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन आज हम डिस्कस करेंगे, SHM यानी इसको कह सकते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब ये होती क्या है जरा देखिए, पहले इसके डेफिनेशन हम डिस्कस कर लेते हैं। इट अकर्स व्हेन नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब फासला। तो फ्रॉम मीन पोजिशन एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड मीन पोजिशन। जरा देखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन, आपको स्प्रिंग हो गए, बाइक्स वगैरह की जंप्स में आप इसका मुशाहिदा इजीली कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास एक स्प्रिंग हो गया, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होगी, अब आप देखिए इस पर एग्जर्ट फोर्स एग्जर्ट करेंगे, जैसे स्प्रिंग है इस पर फोर्स आपने एग्जर्ट करी तो उसमें क्या होगा, खिंचाव पैदा होगा। तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ये कहलाता है हमारे पास। अब इसको एक फोर्स उसके ऊपर जाने पे अमल करेगी, इसको कहेंगे हम रिस्टोरिंग फोर्स। तो एग्जर्टेड फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स ये क्या कहलाती है आपके पास, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाती है। आप स्प्रिंग वगैरह में इसकी हरकत का मुशाहदा कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, तो पोजिशन एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड मीन पोजिशन। तो जो फोर्स लगेगी वो इसको इसकी मीन पोजिशन, ये इसकी मीन पोजिशन है, ये हमने फोर्स एग्जर्ट करी तो क्या होगा, इसे मीन पोजिशन की तरफ लाएगा। तो इसमें क्या कहलाती है, इसकी मीन पोजिशन कहलाती है। तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM की डेफिनेशन हो गई। अब जरा देखते हैं वाइब्रेशन क्या होता है, जरा वो भी देख लीजिए। आवर बॉडी इज सेड टू बी वाइब्रेटिंग, वाइब्रेटिंग इफ इट मूव्स बैक और फॉरवर्ड और टू एंड फ्रो अबाउट अ पॉइंट। देखिए कोई चीज किसी पॉइंट के गिर आगे पीछे मूव कर रही हो, जैसे मिसाल के तौर पर पेंडुलम की मूवमेंट जो होती है इस तरह देख लें, ये आगे पीछे किसी पॉइंट के गिर मूव कर रही हो इस तरीके से, इसको हम कहते हैं क्या, वाइब्रेटरी मोशन। तो ये वाइब्रेटरी मोशन क्या होती है, एक फिक्स पॉइंट के गिर कोई चीज हो, कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रही है तो उसको हम क्या कहते हैं, वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। तो ये आप वाइब्रेटरी मोशन की डेफिनेशन, ये भी क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन भी एक वाइब्रेटरी मोशन की एक किस्म है। अब जरा देखिए आपके पास इसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या थी मैंने आपको बता दिया। अब जरा देखिए, अट्रैक्शन ऑफ अ बॉडी मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, ये इसकी पहली कंडीशन यानी एक्सीलरेशन। जाहिर सी बात है आपने कुछ पोजीशन लगाई, इसको फोर्स लगाई तो उसमें क्या हुआ, कुछ इसमें खिंचाव पैदा हुआ होगा, डिस्टेंस दे क्या, तो डिस्टेंस जब होगा तो उसमें मतलब वेलोसिटी कम या ज्यादा होगी, उसको कहते हैं एक्सेलरेशन। वेलोसिटी का कम होना या ज्यादा होना एक्सेलरेशन कहलाता है। आपने 9th क्लास में इसको स्टडी कर लिया होगा, पढ़ लिया होगा। तो एक तो इसका पॉइंट ये हो गया। नंबर टू देखिए, अट्रैक्शन ऑफ अ बॉडी शुड बी डायरेक्टेड टूवर्ड इट्स मीन पोजिशन। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने आपको क्या बताया था, आपने किसी बॉडी पर फोर्स लगाई, आपने फोर्स लगाई, अभी क्या होगा इस पे, ये एग्जर्टेड फोर्स लगेगी। तो ये एग्जर्टेड फोर्स लगेगी, एक फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में अमल करेगी, वो क्या लगेगी, इसकी रिस्टोरिंग फोर्स लगेगी। तो एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी शुड बी डायरेक्टेड टूवर्ड इट्स मीन पोजिशन। तो वो जो रफ्तार में कम होना ज्यादा होना डायरेक्ट उसकी, ये इसकी मीन पोजिशन है, समझ लें इसकी मीन पोजिशन की जानिब होगा। नंबर थ्री देखिए, द सिस्टम शुड बी फ्रिक्शन लेस। तो फ्रिक्शन किसी किस्म की होनी चाहिए जब सिंपल हार्मोनिक मोशन जब सही अमल करेगी, जब इसमें क्या होगा, किसी किस्म की फ्रिक्शन नहीं होगी। एंड बॉडी एग्जीक्यूटिंग SHM एंड हैव इनर्शिया एंड रिस्टोरिंग फोर्स। वही बात होगी कि इसमें इनर्शिया भी होगा, इसकी रिस्टोरिंग फोर्स भी होनी चाहिए। जब जाके तीन कंडीशन पर पूरा उतरी कोई चीज, तो उसमें SHM आप इजीली उसका मुशाहदा कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। इनर्शिया पे आपने आगे चल के सब बात हो जाएगी, आप 9th क्लास में भी इनर्शिया के बारे में पढ़ा होगा, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अभी मैट्रिक में भी हम इस पे न्यूटन के लॉज डिस्कस करेंगे, तो उसमें इनर्शिया पढ़ लेंगे। तो मोशन ऑफ अ मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग। तो जरा देखिए, अब हम देखेंगे किसी मोशन ऑफ मास क्या होगी, अगर कोई बॉडी कोई मास किसी स्प्रिंग के साथ अटैच है तो उसको क्या, उसकी मोशन कैसी होगी। इसके लिए सबसे पहले हमें हुक्स लॉ, हुक्स लॉ के कहते हैं लॉ ऑफ इलास्टिसिटी का लचक का काम। जरा देखें ये क्या होता है, द एग्जर्टेड फोर्स अप्लाइड ऑन द स्प्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंक्रीज लेंथ। मिसाल के तौर पर क्या करेंगे, स्प्रिंग है ये, मिसाल के तौर पर स्प्रिंग है, इस पर हम क्या करेंगे, कोई फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसका खिंचाव पैदा हो जाएगा। ये फोर्स, एक फोर्स इसको खिंचाव पैदा करेगी जो क्या करेगी, इसके इसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट पैदा कर देगी। तो वो फोर्स क्या होगी, जितना ज्यादा फोर्स होगी उतना ज्यादा खिंचाव पैदा होगा। विशेष मिसाल के तौर पर आप देखें, मेरा ऐसा फोर्स लगा, जितना ज्यादा फोर्स लगाऊंगा उसमें इतना ज्यादा खिंचाव पैदा होता जाएगा, ये कह रहे हैं। अब जरा देखिए, फोर्स एडजेक्टिंग बराबर होता है के फॉर कॉन्स्टेंट, क्या होता है, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट कहलाता है। अगर माइनस में होगा तो रिवर्स में होगा, मैं अभी बता दूंगा उसको, माइनस में होगा तो क्या होगा। तो एफ एक्स इज इक्वल टू के इज इक्वल टू एक्स, एफ एक्स यानी फोर्स एग्जर्टेड इज इक्वल टू के एक्स, ये क्या है, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट होता है। स्प्रिंग कॉन्स्टेंट क्या होता है, द रेशियो ऑफ एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्प्रिंग टू द इंक्रीज इन लेंथ। मिसाल के तौर पर जैसे ये आपके पास ये फार्मूला है एफ
इज इक्वल टू के एक्स, ये आपके पास फार्मूला है। अब जरा देखिए के है ये मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, तो एफ यानी कि के क्या होगा, ये कंडीशन आपके पास आ जाएगी, इसको इस कंडीशन में हम लिखेंगे तो क्या होगा आपके पास, इसको इक्वेशन टू भी चाहे कह सकते हैं, इसको इक्वेशन वन कह दीजिए, तो क्या k इज इक्वल टू एफ ई एक्स अपॉन एक्स के बराबर आ जाएगी। अब जरा इसका यूनिट क्या होता है, k क्या होता है, इसका यूनिट ये है, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं आप न्यूटन पर मीटर, या इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब जरा देखिए मिसाल के तौर पर हमारे पास केसेस हैं, ये आपने स्प्रिंग है, स्प्रिंग को आपने खींचा तो ये कंडीशन आ जाएगी, तो अब इसके एक फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में अमल करेगी, सो हम क्या कहेंगे रिस्टॉलिंग फोर्स। इसमें कुछ फासला तय किया, जैसे मिसाल के तौर पर 2 सेंटीमीटर का था यहाँ, अब ये 3 सेंटीमीटर का हो जाएगा, अब इसको खींचा आपने तो क्या होगा, इसको क्या एक्स एक्स फॉर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं इसको, तो इसमें एक फोर्स इसका अमल करेगी, एक फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स के तौर पर अमल करेगी, तो इसमें कुछ एक्सेलरेशन ही प्रोड्यूस होगा, इससे कुछ वेलोसिटी भी होगी, तो इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं, इसको बयान कर सकते हैं, वजाहत कर सकते हैं। अब जरा देखिए रिस्टोरिंग फोर्स क्या होती है, वो भी जरा देख लीजिए, व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द स्प्रिंग इट्स लेंथ इंक्रीज आफ्टर रिलीजिंग द फोर्सेस, द स्प्रिंग विद मूव्स towards mean position is due to force which is called restoring force। अब जरा देखिए अब restoring force वही बात हो गई, अब जरा देखिए आपके पास ये condition आ गई k is equal to fx या force कहते हैं या अपन displacement। अब जरा देखिए इसमें भी एक condition क्या होगी, minus में जब हम minus की बात करेंगे तो constant minus में होगा, तो जरा देखिए ये क्या काम करता है, ये तो इसके राइट डायरेक्शन जाहिर कर रहा था इसकी, अब ये क्या करेगा माइनस का के क्या करेगा इसके अपोजिट डायरेक्शन को डिनोट करेगा, तो एफ हम जरा न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन देखते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है हमें, जरा वो देख लीजिए एफ इज इक्वल टू एम ए, तो अब क्या करेंगे एफ किससे बराबर होती है, एम ए के बराबर होती है, और एम ए क्या होता है माइनस के एक्स यानी स्प्रिंग कॉन्स्टेंट और डिस्प्लेसमेंट, एक्स फॉर डिस्प्लेसमेंट माइनस के अपोजिट डायरेक्शन, पहले इस तरह बात की अब इसके अपोजिट डायरेक्शन हम बात करते हैं, तो क्या होगा या एक्स ये मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ तो नीचे आके क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास ये कंडीशन आ जाएगी ए इज इक्वल टू माइनस के अपॉन एम एक्स, तो ये पूरा क्या होगा कॉन्स्टेंट हो जाएगा, तो उसकी जगह प्रोपोर्शन या कॉन्स्टेंट इसी जगह प्रोपोर्शन का साइन लगा देंगे, इसमें कॉन्स्टेंट तो माइनस प्रोपोर्शन लगा के हम क्या करेंगे माइनस का एक्स, तो ये आपके पास क्या है सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेरिवेशन होगी। स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करेंगे बॉल एंड बाउल सिस्टम, मिसाल के तौर पर एक बाउल है आपके पास, टब वगैरह ले लें गोल चीज ले लें, उसमें आपने एक बॉल रख दी, इसलिए इसको बाउल एंड बाउल सिस्टम रखा। अब जो जाहिर सी बात है इसकी जीरो पोजिशन की लगी, यानी इसमें इस पोजिशन पर एक्सेलरेशन जीरो होगा। अब जब देखिए इसको हम फोर्स लगाएंगे, फोर्स इस पर एग्जर्ट करेगी तो क्या काम होगा, ये आ जाएगी यहाँ आ जाएगी। अब जरा फोर्स सुनिए कि इसकी लगी ए पोजीशन ए यानी एक्सट्रीम पोजीशन, इस पोजीशन में क्या होगा काइनेटिक एनर्जी मिनिमम हो जाएगी जबकि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, पी इज इक्वल टू एम जी एच, आप ध्यान में रखिएगा पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, पी इज इक्वल टू एम जी एच जबकि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है के इज इक्वल टू 1/2 एम जी स्क्वायर, आगे की क्लासेस में इस पर बात होगी। अब यहाँ क्या होगी के क्या होगी मिनिमम हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी मैक्सिमम हो जाएगी, किसी हरकत करती हुई चीज में जो तवानाई होती है वो क्या कहलाती है काइनेटिक एनर्जी, हरकी तवानाई, किसी रुकी हुई चीज में जो तवानाई होती है वो क्या कहलाती है पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ किसमें फोर्स एनर्जी स्टोर हो जाएगी, जब आप इसको यहाँ से छोड़ेंगे तो दोबारा क्या काम करेगा, जबकि मीन पोजिशन की जानी जाएगी लेकिन यहाँ की रुकी हुई ऊपर जाएगी, फिर वापस ऐसा ऐसे आएगी ऐसे आएगा कि दोबारा अपनी मीन पोजिशन आ जाएगी, तो यहाँ क्या होगा डब्ल्यू इसका वेट है तो डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी होगा। अब जब देखिए यहाँ क्या होगा एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, वेलोसिटी क्या होगी मैक्सिमम हो जाएगी, जबकि जब आ रही होगी तो काइनेटिक एनर्जी साइड से तो ऊपर से आ रही होगी तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी इसकी मैक्सिमम हो जाएगी, तो ये पोजीशन बी यानी ये भी एक्सट्रीम पोजीशन होगी, जब यहाँ आएगी तो यहाँ भी हुई होगा एक्सेलरेशन क्या होगा यहाँ मैक्सिमम हो जाएगा, और ये रिवर्स में है तो माइनस में है, तो क्योंकि ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स फॉर डिस्प्लेसमेंट, तो ये आप इस तरह इसको डिस्कस कर सकते हैं एक्स डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। अब अगर देखिए इसको इसकी थ्योरी देख लें, व्हेन अ बॉल इज जेंटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ बॉल इट स्टार्ट्स ऑसिलेटिंग इस तरीके से अबाउट द सेंटर ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ये ग्रेविटी की फोर्स इसको नीचे लाएगी, इसको फिर क्या काम करेगी मीन पोजीशन यहाँ जाएगी, मीन पोजीशन में लाने की कोशिश करेगी, यानी दोनों पे क्या होगा दोनों तरफ से ग्रेविटी इस पे यहाँ आएगी तो यहाँ से भी ग्रेविटी ग्रेविटी और यहाँ होगी तो यहाँ से भी इस पे ग्रेविटी यानी जमीन की फोर्स वो उस पर एक्ट कर जाएगी विच एक्ट एज अ रिस्टोरिंग फोर्स, तो क्या काम करेगी जब ऊपर जाएगी नीचे आएगी ऊपर जाएगी नीचे आएगी तो एक पक्ष आएगा मीन पोजीशन पर ठहर जाएगी, तो इसको क्या कहेंगे ग्रेविटी की फोर्स को क्या कहेंगे रिस्टोरिंग फोर्स,
तो ये आप बॉल एंड बॉल एंड बॉल में इसको इस तरीके से डिस्कस कर सकते हैं। इसका जो टाइम पीरियड है वो भी हम निकालेंगे, t is equal to 2 pi under root m upon k, इसके न्यूमेरिकल हैं, इसकी कैलकुलेशन वगैरह हमें डिस्कस करनी है। तो ये हमें बॉल एंड बॉल सिस्टम में आप इसको इस तरीके से डिस्कस कर सकते हैं। अब जरा देखिए मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम ये आपके पास है, देखिए इसकी भी जो मोशन होती है वो भी क्या कहलाती है, वाइब्रेटरी मोशन कहलाती है। ये भी एक किस्म के सिंपल हार्मोनिक मोशन है जस्ट लाइक इट। अब जरा देखिए इसमें क्या होता है, आपने एक धागा लिया उसको बांध दिया बॉल को, जैसे आपने पेंडुलम बांध दिया या पेंडुलम घले का आप देख लेंगे, झूले की मिसाल ले लें, मिसाल के तौर पर आप झूले को पुश करेंगे, उस फोर्स लगाएंगे तो एक साइकिल अपना कंप्लीट कर लेगा, यूं जाएगा और यूं जाएगा, फिर पर ऐसा यूं जाएगा, यूं जाएगा, बीच में आके ठहर जाएगा, तो वो उसी क्या होगी, मीन पोजिशन हो जाएगी। इसी तरह पेंडुलम की मिसाल ले सकते हैं, पेंडुलम है, इसको हमने यहाँ से फोर्स, इसको हमने फोर्स लगाई, अब ये क्या होगा, यूं जाएगा, यूं आएगा, तो इसलिए तीनों पोजिशन को उसे डिनोट करता है। तो इसमें क्या होगा, यहाँ आएगा तो बीच के ऊपर जाएगा, उस लिमिट तक जाएगा, झूला भी जैसे जाता है तो क्या होगा, उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, फिर दोबारा आएगा तो इस यहाँ भी इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी इस तरीके से। तो इसकी मीन पोजीशन क्या कहलाएगी, ये वाली क्या कहलाएगी, इसी मीन पोजीशन जिसमें क्या होता है एक्सेलरेशन जीरो होता है, वो पोजीशन मीन पोजीशन कहलाती है। कभी एमसीक्यू वगैरह में आ जाए तो पता होना चाहिए आपको, जब यहाँ से यूं जाएगा, यूं जाएगा तो अब यहाँ से फोर्स लगेगी, ग्रेविटी इस पर भी अमल करेगी, यहाँ जाएगा तो यहाँ से भी ग्रेविटी इस पर एक्ट करेगी, तो ताकि इसको इसे मीन पोजीशन पे ला सके। तो इसकी क्या होगी, वेलोसिटी यहाँ मैक्सिमम हो जाएगी। अभी क्या है, आपके पास मास जो होगा, यानी कि जो बॉल है आपका, जो बॉल हो सकता है मास होगा W इजिकल टू एम जी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी काइनेटिक एनर्जी उसी तरह और पोटेंशियल एनर्जी वही असल इस पर अप्लाई होगा, देखिए एल क्या होगा लेंथ, तो इसका जो टाइम पीरियड होगा वो होगा टी इजिकल टू टू पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। बस ये सिंपल सी बात ही आपको बताना थी, तो ये आपको पता होना चाहिए टाइम पेंडुलम, ये टाइम पीरियड इसका और इसका, इसकी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, ये जो मेन काम था आगे चल के इन दोनों का टाइम पीरियड हम निकालेंगे। पेंडुलम के लिए भी अगर सवाल आएगा, बॉल के बॉल एंड बॉल के सिस्टम के लिए भी हम निकाल लेंगे। तो m4 क्या होगा, मास होगा, k4 स्प्रिंग कांस्टेंट, जिसको हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन में डिस्कस किया था। तो l4 आपके पास यहाँ l4 लेंथ हो जाएगा, और g4 क्या होगा, a इज इक्वल टू g के बराबर होगा 9.8 या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरीके से आप कर लेंगे, 2 pi की वैल्यू 2.3142 होगा, और टी4 टाइम पीरियड क्या होता है, जरा ये भी डिफिनेशन देख लें कि एक साइकिल को जैसे आपने झूले को फोर्स लगाई वो पूरा अपना एक साइकिल जितने टाइम में मुकम्मल करेगा उसको क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। इस तरह इसका फार्मूला ये है आपके पास, इस तरह आप इसको फोर्स लगेगी, ये यहाँ आएगा फिर दोबारा यूं जाएगा फिर यहाँ आएगा फिर दोबारा यूं जाएगा, अब इस तरीके से एक साइकिल कंप्लीट कर लेगा तो उसको क्या कहेंगे हम, टाइम पीरियड कहेंगे। तो ये दोनों चीज़ें आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन के बाद पता होना चाहिए, दोनों फार्मूला आप इस तरह याद कीजिएगा।